राजधानी राजधानी। ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्रभूभूमी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा। मुंबई अकरा महामार्गावर सोमा कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे तसेच टोल नाक्याची वसुली फी दिवसेंदिवस वाढत असल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत। आणि खरे बघितले तर लाखोंनी टोल नाका वसूल केला जातो पण रस्त्यावर पाहिजे त्या सुविधा उपलब्ध नसल्याने नागरिक संतापले आहेत। तसेच डिव्हायडरच्या आजूबाजूला माती व डिव्हायडरवरती घाण कचरा असल्यामुळे काही ठिकाणी डिव्हायडर तुटलेले असून रस्त्याच्या कडेला दगड पडलेले आहेत। ज्यावेळेस मोठे कंटेनर किंवा गाड्या चालतात त्यावेळी रस्त्यावरची धूळ माती मोटरसायकल स्वारांच्या तोंडावर येत असल्याने अपघात घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। रस्त्याचे झाड आजूबाजूला पसरलेले असून त्यांची छाटणी केलेली नाही। तसेच काही ठिकाणी बनवलेले स्वच्छालय खराब अवस्थेत आहेत व स्वच्छता विरहित आहेत। मग या प्रकारे कोणती सुविधा नागरिक तसेच वाहनधारकांना मिळत नाही व दररोज लाखोंचा टोल वसुली होत असतो, तर हा नेमका चाललेला प्रकार काय, वाहनधारक टोल कशाचा देतात, संबंधित अधिकाऱ्यांचं याकडे लक्ष का नाही, या टोल प्लाझा कंपनीवर कोणाचा वचक नाही का, प्रशासन आता काय भूमिका घेते, यासारखे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत। म्हणून लवकरात लवकर यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे। प्रबंधभूमी महाराष्ट्र न्यूज साठी जिबाऊ भारती। मुंबई आग्रा महामार्गावरती जे सोमा कंपनीचे रस्त्यावरती जे लक्ष नाही आहे कर्मचाऱ्यांचे, बाबा बघू शकता रस्त्यावरती हे झाडं आलेले परत कचरा पडलेला आहे। या कचऱ्यामुळं मातीमुळं मोठं वाहन भरधाव वेगाने येत असल्यामुळे जे मोटरसायकल चालक यांना मोठ्या प्रमाणात कसरत करावी लागती, जी घाण येते त्यांच्या डोळ्यानं उडल्यामुळं काही अपघात घडू शकता। तरी यावरती सोमा कंपनीचे कर्मचारी किंवा इतर कोणी असतील यांनी तात्काळ याची दखल घ्यावा। तसेच काही ठिकाणी स्वच्छालय आहे, ते स्वच्छालयसुद्धा एकदम गंदगी आहे, त्या ठिकाणी ते स्वच्छालयसुद्धा साफ करल्या जात नाही, काही ठिकाणी पाणी नाही आणि टोलनाका वसूल करल्या जातो, म्हणजे जनतेची लूट होती असं म्हणायला हरकत नाही। तर लवकरात लवकर अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावा, नाही तर याच्याकडं प्रबंधभूमी महाराष्ट्र न्यूजचे बारकाईने लक्ष आहे, तसेच झाडांना पाणी पण नाही आहे। हाँ तो बराबर है ना, टोल नाके वाले खाली बराबर हर महीने बाई महीने टोल नाका बढ़ा रहे हैं और कंपनी एडवांस नहीं बढ़ा रही है। रोड के दोनों साइड मिट्टी है, उसे लेटर मारने पे मिट्टी उड़ता है तो बाइक वाले फोर व्हीलर वाले को तकलीफ होता है, वो भी हमको चार गाली दे के जाते हैं। तो ये टोल नाके वाले का काम है ना, न लाइटरिंग है न बाथरूम है भी, वो तो पूरा गंदा पड़ा है, उसमें पानी भी नहीं है, खाली जगह जगह दुनिया भर का खड्डा पड़ा है, उसको भी नहीं देखे, खाली हर महीने बाई महीने टोल नाका बढ़ाएंगे। टोल नाके पे गवर्नमेंट बोला है कि 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए गाड़ी, फिर भी हम जाते हैं आधा घंटा लग जाता है, फास्टैग में पैसा है फिर भी उसका मशीन नहीं काम करता है, बोलते हैं हमारा कमी है। ये बताइए कौन देखेगा, ये सब कौन करेगा? वो रास्ते के बारे में, वो खड्डे के बारे में कई जगह तुमने रुका है, शौचालय है क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं, जो शौचालय है वो बंद पड़ा है। बंद पड़ा है हाँ, तुम ये रास्ते के क्या बोल सकते हो? रास्ते के लिए तो रास्ते में तो खड्डे है ही हैं, ऊपर से कहीं भी एक्सप्रेस वे पे ब्रेकर नहीं है, लेकिन इस पे तो इतना ब्रेकर है कि जैसे लगता है कि रोड नहीं ब्रेकर ही है। हाँ, उससे ये नहीं पता हमारा टाइम ज़्यादा लगता है, रात पीछे वाला गाड़ी घुस जाता है, पता लगता है ड्राइवर की गलती है। अरे ब्रेकर बनाए रहो तो थोड़ा छोटा छोटा बनाओ ना, या ब्रेकर की क्या ज़रूरत है? और उसके हमारी कमर में तकलीफ होता है, गाड़ी कूदती है, एक्सीडेंट होता है ब्रेकर से, लेकिन ब्रेकर हटाए नहीं हमारे कहने। गाड़ी कितना किलोमीटर चलाते हैं एक दिन? एक दिन एक रात में 500-600 किलोमीटर। 500-600 किलोमीटर में तुमको ऐसे जो रास्ते ऐसे मट्टी है, जो रास्ते के ऊपर जो कंपनी का ध्यान नहीं है, ऐसे कौन से महाराष्ट्र में ज़्यादा है क्या इतर राज्य में, कौन से राज्य में तुमको अच्छा? नहीं नहीं, ब्रेकर तो ज़्यादा करके महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करेगा ना उधर ब्रेकर नहीं है, लेकिन धाधली बहुत है। हाँ धाधली बहुत है, अपना ये हवलदार लोग का महाराष्ट्र में धाधली है, बाहर में महाराष्ट्र इसका धाधली नहीं है, लेकिन हाँ आईटीओ का बाहर में धाधली है, जैसे अभी सेंधवा बॉर्डर हो गया
वो डायरेक्ट एक तरफ का गाड़ी का 4000 2000 ऐसा लेता है, जितना मर्जी होता है उतना वसूल करते हैं। और जब कोई बड़ा साहब आएगा अपना महाराष्ट्र बॉर्डर पे तो उस दिन वो फ्री कर देगा, जिस दिन साहब लोग नहीं रहेंगे उस दिन हर एक गाड़ी को 500 1000 रुपया वो धमकी देगा, मैं इतने का चलान कर देगा, ये कर देगा वो कर देगा, मजबूरी है ड्राइवर को देना ही पड़ता है। ट्रांसपोर्ट से बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट बोलते हो तुम्हारा काम है, तुम रोड पे देखो, मैं थोड़ी देखने आया हूँ। वो जो चानोड़ का टोल नाका है वो कितना कटा जी? वो जो चानोड़ वाला, हाँ अच्छा, वो पीपल गांव का जो टोल नाका है अभी गए महीने तक 1115 रुपये का था, अभी ये महीने में हो गया 1175 रुपये, हर महीने भाई महीने बढ़ते जा रहा है। वो अभी 4-6 महीना पहले 800 का टोल नाका था, अभी 1015 हुआ, 1015 से अभी 1175 हो गया, हर महीने भाई महीने बढ़ते जा रहा है, रोड पे कोई सुविधा नहीं है। जो अपना ये चानोड़ वाला टोल नाका वो कितने का कटा दिया? ये अभी 800 कुछ रुपये का था, इसको भी मैं दिखा देता बता देता हूँ एक मिनट। ये 810 का कटा है, इसके पहले जो कटा है वो 1120 का कटा है, ऐसे ऐसे इतने इतने महंगा है टोल नाका। और 30-30 किलोमीटर पे टोल नाका है, जो कि टोल नाका कम से कम 70 किलोमीटर पे होना चाहिए। 30-30 किलोमीटर बताइए, 810 रुपये, 1120 रुपये, 30-30 किलोमीटर में कट रहे। रास्ते पे कोई असुविधा कोई नहीं, ना लैट्रिन ना बाथरूम, जो एक दो बाथरूम है वो ऐसे ही गंदा पड़ा, उसमें पानी भी नहीं कुछ भी नहीं, पीने का पानी पीने का वो तो पूछो ही मत, पीने का पानी कहाँ मिलता है। कुछ कुछ जगह पे वो डिवाइडर टूटा है उसके वजह से, वो डिवाइडर टूटा है उसको टोल नाके वाले वो कभी नहीं ध्यान देते हैं, डिवाइडर टूटा है उसमें से छोटी गाड़ी गांव की गाड़ी आती जाती है, वहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, उसको बंद करना चाहिए, जो मिट्टी पड़ा है उसको मिट्टी सफा करना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ नहीं कर रहा है, खाली बस महीने बाई महीने टोल नाका बढ़ रहा है बस। बराबर, समझो अभी जो मोटी गाड़ी वाला है वो एकदम ईमानदारी से चलता तो भी उसका ही नाम आगे आता उसकी। हाँ, कोई भी गलती होगा तो बड़ी गाड़ी वाले का दोष होता है कि नहीं, बड़े गाड़ी वाला ड्राइवर का गलती है, जो कि लेफ्ट से राइट से किधर से भी कोई भी गाड़ी घुसेगा। और दूसरी बात है, जब गाड़ी स्पीड में जाएगी सिलेंडर दबेगा मिट्टी उड़ेगा तो छोटी गाड़ी वाले को भी समझ में नहीं आता है, वो भी आके सामने आके 4 बात और 4 गाली दे के ही जाते हैं, इसमें तकलीफ सबको झेलना पड़ रहा है, बड़े गाड़ी वाले को ज़्यादा करके, और छोटी गाड़ी वाले को भी तकलीफ झेलना पड़ा है, मिट्टी उड़ रहे तो उसको भी तो तकलीफ ही है, उसको भी नहीं दिखेगा। ताजा व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्ले स्टोर वर जा, प्रभुभूमी ऍप डाउनलोड करा व या धावपळीच्या जीवनात अपडेट रहा।